सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको टॉर्पिडोज के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि टॉर्पिडोज काम कैसे करती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। टॉर्पिडो एक सेल्फ प्रोपेल्ड और सेल्फ गाइडेड अंडरवाटर एक्सप्लोजिव डिवाइस को कहा जाता है, जिसे ऑस्ट्रो-हंगेरियन नेवी में काम करने वाले एक ब्रिटिश इंजीनियर रॉबर्ट व्हाइटहेड ने 1866 में इन्वेंट किया था। यानी अगर आसान भाषा में कहा जाए तो टॉर्पिडोज पानी के नीचे इस्तेमाल किए जाने वाली गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। टॉर्पिडो के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला, प्रोपल्शन सिस्टम, जो टॉर्पिडो की पावर सप्लाई की तरह काम करता है। दूसरा, इसका गाइडेंस सिस्टम, जो टॉर्पिडो को टारगेट के डायरेक्शन में गाइड करता है। और तीसरा, एक्सप्लोजिव डिवाइस और एक्सप्लोजिव वॉरहेड, जो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए, यानी किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और बिना ऑक्सीजन के कोई भी फ्यूल बर्न नहीं हो सकता है। और पानी के ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाली मिसाइल्स, यानी हवा में इस्तेमाल किए जाने वाली मिसाइल्स में ज्यादातर रॉकेट इंजन्स और जेट इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंजन्स अपने आसपास के खुले वातावरण से आसानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके फ्यूल को बर्न करते हैं, जिसकी वजह से मिसाइल ऑपरेट होती है। लेकिन पानी के नीचे ऑक्सीजन इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है, क्योंकि पानी के नीचे खुला वातावरण नहीं होता है और इसमें जो भी ऑक्सीजन होती है वो पानी में ही घुली होती है। और फिलहाल अभी तक तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिसकी मदद से हम पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अलग करके उसे इस्तेमाल कर सकें। तो फिर टॉर्पिडोज में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन्स आखिर काम कैसे करते हैं, यानी ये इंजन्स फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं। तो पानी के नीचे ऑक्सीजन ना मिलने वाली प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए टॉर्पिडोज में दो तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहली टेक्निक, जिसमें टॉर्पिडोज में ऐसे इंजन्स को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, यानी आमतौर पर टॉर्पिडोज में नॉन न्यूक्लियर सबमरीन की तरह बैटरीज और इलेक्ट्रिक मोटर को प्रोपल्शन सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ एडवांस टॉर्पिडोज जिनमें बैटरीज और इलेक्ट्रिक मोटर की जगह इंजन्स को ही इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें दूसरी तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। और इस टेक्निक में इन इंजन्स के लिए एक स्पेशल फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। और इस फ्यूल की खासियत ये होती है कि इसको अलग से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस फ्यूल में पहले से ही ऑक्सीडाइजर्स यानी ऑक्सीजन मिली होती है। और इस स्पेशल फ्यूल का नाम है OTTO फ्यूल। और हम आपको बता दें कि इस तरह के स्पेशल फ्यूल को स्पेशल कंडीशंस में ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पहले से ही ऑक्सीजन मिले होने के कारण ये फ्यूल बहुत खतरनाक है और ये किसी एक्सप्लोजिव या किसी बॉम्ब से कम नहीं है। तो अगर एक लाइन में कहा जाए कि टॉर्पिडोज काम कैसे करती हैं, तो टॉर्पिडोज में लगा हुआ प्रोपल्शन सिस्टम टॉर्पिडोज को आगे की ओर धकेलता है, और इस टॉर्पिडो में इस्तेमाल किया गया गाइडेंस सिस्टम टॉर्पिडो को टारगेट की डायरेक्शन की तरफ गाइड करता है। और जब टॉर्पिडो टारगेट से टकराती है तो टॉर्पिडो के वॉरहेड में लगा हुआ एक्सप्लोजिव धमाके में बदल कर टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इंडियन नेवी मौजूदा समय में 9 तरह की टॉर्पिडोज का इस्तेमाल करती है, जिनमें पहली टॉर्पिडो है व्हाइटहेड A244S एंटी सबमरीन टॉर्पिडो, दूसरी APR-3E टॉर्पिडो, तीसरी सेट 65E-65KE टॉर्पिडो, चौथी टाइप 5365 टॉर्पिडो, पांचवी टेस 7176 एंटी सबमरीन एक्टिव पैसिव होमिंग टॉर्पिडो, छठी AEG-SUT मोड 1 वायर गाइडेड एक्टिव पैसिव होमिंग टॉर्पिडो, सातवीं एडवांस लाइट टॉर्पिडो साइना, आठवीं वरुण अस्त्र टॉर्पिडो और नवी तक्षक टॉर्पिडो। हालांकि इसकी नवी टॉर्पिडो तक्षक फिलहाल अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में है।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।